पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव एकदम मुहाने पर हैं और उसके ठीक बाद लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। जी हां, अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले अब लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज होते चले जाएंगे और आज की सुबह एक ऐसे राजनीतिक विवाद को लेकर आई जिसमें अनेक विपक्ष के सांसद एकजुट हो गए। अनेक विपक्ष के सांसद एक साथ दिखाई दिए, एक बड़ा आरोप उन्होंने सरकार पर लगाया। आप देखेंगे, आपको वो आरोप भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप बीजेपी के सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय का ये ट्वीट देखिए। इसमें उन्होंने लिखा है कि यूजुअल सस्पेक्ट्स रेजिंग ए स्टॉर्म ओवर स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक एंड प्रिटेंडिंग टू बी मार्टियर्स इज ऑल गुड बट दिस हल्ला बुल्ला इन ऑल प्रोबेबिलिटी लाइक इन द पास्ट विल एंड अप एज जैम स्क्वैब। व्हाई नॉट वेट फॉर एप्पल टू क्लैरिफाई और इज इट टू मच टू लेट गो एन अपॉर्चुनिटी टू आउटरेज। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ट्वीट क्यों किया गया है, तो इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो आमतौर पर जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं यानी जाने माने संदिग्ध हैं, वो अचानक से स्टेट स्पॉन्सर्ड स्नूपिंग यानी जासूसी की बात उठा रहे हैं और शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। एप्पल की क्लैरिफिकेशन का इंतजार किया जाना चाहिए या ये ज्यादा होगा। अब आपको बताते हैं कि ये विवाद क्यों खड़ा हुआ था। दरअसल टीएमसी की सांसद महुआ मोहित्रा पिछले कुछ दिनों से लगातार महुआ मोहित्रा अपने ट्वीट्स के कारण, अपने एक कंट्रोवर्सी भी जो उनकी हुई है उसके कारण वो विवाद में बनी हुई थी। और महुआ मोहित्रा ने आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि रिसीव टेक्स्ट एंड ईमेल फ्रॉम एप्पल वार्निंग मी गवर्नमेंट ट्राइंग टू हैक इनटू माय फोन एंड ईमेल एचएमओ गेट ए लाइफ अड़ानी एंड पीएमओ बुलीज योर फियर मेक्स मी पिटी। तो ये महुआ मोहित्रा ने अपना ट्वीट किया था। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा, कल उनकी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। अरविंद केजरीवाल को कल के लिए नोटिस किया हुआ है, दो नवंबर के लिए ईडी ने नोटिस किया हुआ है। राघव चड्ढा ने भी इसी तरीके का ट्वीट किया कि अर्ली दिस मॉर्निंग आई रिसीव्ड ए कंसर्न नोटिफिकेशन फ्रॉम एप्पल वार्निंग मी अबाउट ए पोटेंशियल स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पेयर अटैक ऑन माई फोन द नोटिफिकेशन स्टेट्स बला 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 बला। उसके बाद उन्होंने पूरी जो नोटिफिकेशन में एप्पल ने लिखा है कि आपके फोन अंडर अटैक हो सकता है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हो सकता है, ये तमाम चीजें इसमें एप्पल ने लिखी है। इसी तरीके का ट्वीट शशि थरूर, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने भी ये किया। केरल से आते हैं, केरल के सांसद हैं। रिसीव्ड फ्रॉम एन एप्पल आईडी थ्रेट नोटिफिकेशन @apple.com विच आई हैव वेरीफाइड ऑथेंटिकली ऑथेंटिसिटी कंफर्म्ड ग्लैड टू कीप अंडर एम्प्लॉयड ऑफिशियल बिजी एट द एक्सपेंस ऑफ टैक्स पेयर लाइक मी नथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू डू, ये सवाल उन्होंने उठाया। यानी लगभग तमाम नेता जो है वो एक ही बात कह रही हैं। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की नेता हैं, सांसद हैं, वंडर हु शेम ऑन यू सीसी किया उन्होंने एचएमओ इंडिया फॉर योर काइंड अटेंशन। इसके बाद इन्होंने भी वही जो एप्पल की नोटिफिकेशन आई है, तमाम सांसदों को, इनको नेताओं को एक ही नोटिफिकेशन है जिसको इन्होंने सबने अटैच किया है। पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने लिखा डियर मोदी सरकार व्हाई आर यू डूइंग दिस और उसके बाद उन्होंने भी वही नोटिफिकेशन लगा दी। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के नेता, उन्होंने कहा है कि रिसीव्ड एन एप्पल थ्रेट नोटिफिकेशन लास्ट नाइट दैट अटैकर्स मे बी टारगेटिंग माई फोन। उसके बाद उन्होंने ये पूरी अटैक जो है उसको लगा दिया है। अब जो एक जवाब जो अमित मालवीय ने इस पर जवाब दिया, उनका ट्वीट एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि ये जो यूजुअल सस्पेक्ट्स है, उन्होंने इन सबको यूजुअल सस्पेक्ट्स का नाम दिया और कहा कि रेजिंग ए स्टॉर्म ओवर स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक एंड प्रिटेंडिंग टू बी मार्टियर्स इज ऑल गुड। बहरहाल अब ये विवाद, क्योंकि चुनावी समय है तो विवाद तो निश्चित तौर पर बनेगा ही और विपक्ष के तमाम नेता इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि एक जो बड़ी बात अमित मालवीय के ट्वीट में भी है वो निश्चित तौर पर साफ होनी चाहिए, एप्पल की तरफ से जरूर क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि क्या इस मामले की सच्चाई है और क्या एप्पल इस मामले में क्या जवाब देता है। अब उसके बाद ही टिका हुआ है कि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बनकर रह जाएगा या उससे आगे कुछ निकलता है।